Alright, so hey guys, once again, welcome back to you in another amazing video of Road Racer Rishabh. And here is the Activa, the keyless Activa. और first of all, बात हम लोग करेंगे यहाँ पे जिस शोरूम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो क्रॉस रोड होंडा है. सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. बाय द वे, यहाँ पे अगर देखें तो इस हिसाब की कुछ एक्टिवा है और यहाँ पे 3D ब्रांडिंग आपको एज ऑब्वियस देखने को मिलती है. बट यहाँ पे 6G का आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है. यहाँ पे एच स्मार्ट है जो कि एच स्मार्ट वेरियंट है एक्टिवा का. और देखा जाए तो यहाँ पे आपको मैट एक्सिस ग्रे मेटालिक कलर आपको यहाँ देखने को मिलता है. कुछ 6 कलर देखने को मिलते हैं. कलर्स के ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे देखें कुछ इस हिसाब की कुछ स्कूटर है. ऑल तो दिखने में तो पूरा सेम लगेगा बट जो चेंजेस हैं वो इसके की वाले कंपार्टमेंट में किए जो यहाँ पे कीलेस कर दिया गया है. एंड कुछ चीज़ें और इंडिकेशन एड ऑन किए गए हैं लाइक यहाँ पे की इंडिकेटर और यहाँ पे बैटरी इंडिकेशन जो कि पहले नहीं था. बट यस, आपको बेसिक इंस्ट्रूमेंटल कंसोल जो कि प्रीवियस में चलता आ रहा है वो आपको तो ज़रूर देखने को मिलता है. एनीवेज, 110 सीसी 7 HP स्टार्ट करते हैं यहाँ से थोड़ा सा. तो ये इसकी कुछ की मैं की बार दिखा देता हूँ. इस हिसाब की कुछ की है और यहाँ पे आपको स्मार्ट फाइंड ऊपर साइड देखने को मिलता है. दिखा देता हूँ, अगर आप पार्किंग में अपनी कहीं स्कूटर भूल गए हो और आपको ढूंढना है तो एक की से आप ढूंढ सकते हो. इसकी पार्किंग लाइट से पता कर सकते हो कि स्कूटर कहाँ पे है. एनीवेज, और देखा जाए जो टायर्स हैं, फ्रंट में आपको 12 इंचेस, रियर में आपको 10 इंचेस देखने को मिलता है. और ये जो टायर हैं, होंडा सेज इट्स अ फ्यूल एफिशिएंट टायर जो कि आपके माइलेज और इंक्रीज़ कर देगी स्कूटर का. तो ये भी सही चीज़ है काफ़ी. अब बात करते हैं मेन चीज़ पर जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलती है. तो प्रीवियस से न्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं. अगर आप सही से नहीं समझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. एनीवेज, चीज़ें वही हैं बट थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस कर दिया गया पहले. ओके, हियर इज़ द की. और अब एक्टिवेट करते हैं इसको. और यहाँ पे ये लॉक है तो यहाँ पे आपको ये बटन दिखेगा, ये की एक्टिवेट के लिए है. इसको बटन दबाते हैं और इधर से हम लोगों ने इसको प्रेस किया. यहाँ पे अभी लॉक है और थोड़ा सा इधर साइड करेंगे. ओके, यहाँ पे स्कूटर अब यहाँ पे अनलॉक हो गया है जो कि हम लोग इधर पुश करके इधर करेंगे. और यहाँ पे स्कूटर अब स्टार्ट मोड पे आ गया जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस हिसाब का कुछ स्टार्ट हुआ और यहीं से किल स्विच है. तो बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट पूरा ही सेम है बट कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकती है थोड़ा बहुत. और थोड़ा सा इधर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल लिट ओपन के लिए देखने को मिल जाएगी. और इधर ही साइड आपको अंडर सीट स्टोरेज ओपन के लिए मिल जाएगी. और डिसेंट स्टोरेज है काफ़ी. हेलमेट और काफ़ी कुछ स्टफ आप रख सकते हो. इस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे और थोड़ा सा हैंडल इधर साइड करेंगे. ओके, अब ये लॉक हो गई है. और चाहे तो आप इस बटन को प्रेस करके भी इसको लॉक कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं. चाहे तो अगर आप 2 मीटर चले गए दूर तो ये अपने आप बंद हो जाएगी. जब की इसके नियर बाई नहीं होगी तो स्कूटर अपने आप बंद हो जाएगा. ये कुछ स्मार्ट फीचर्स एड ऑन करके रखे हैं होंडा ने अपनी इस एक्टिवा में जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट स्टार्टिंग के लिए. अब यहाँ पर ये गाड़ी पूरी बंद हो गई, राइट. और फिर इस बटन को हम लोग दबाएँगे और जैसे यहाँ पर ग्रीन हुई पुश करेंगे तो यहाँ पर की का सिग्नल आ गया. तो मतलब आप स्कूटर आप स्टार्ट कर सकते हो. और इधर साइड हैंडल को हल्का सा तिरछा करके यहाँ पे अनलॉक हो गया. और फिर से मैं दिखा देता हूँ इधर. और यहाँ से आप फ्यूल और अंडर सीट स्टोरेज भी ओपन कर सकते हो जो कि इधर साइड होता है. एंड और बाकी जब इधर आ जाएंगे तो आपका पूरा स्कूटर स्टार्ट कर सकते हो. तो इतना ही सब कुछ था. ऑल्दो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट है काफ़ी मज़ेदार. और इधर से हम लोगों ने बंद किया यहाँ पे फ्यूल और सीट के लिए चले गए. इधर से हम लोग अपना वही नॉर्मल पे आ गए और यहाँ पे हम लोग प्रेस करके इधर साइड ले जाएंगे. हल्का सा हैंडल को इधर करेंगे और यहाँ पे स्कूटर लॉक हो गया. दैट्स इट. तो इतना ही सब कुछ था इस पूरे स्कूटर में. और स्मार्ट फाइंड भी इसमें है जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था. यहाँ पे आपकी पार्किंग लाइट जल जाएगी अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो. अब बात करते हैं, इसमें किक तो है नहीं जो कि किक इसमें नहीं है. तब अगर आपकी जो स्कूटर है रास्ते में कहीं पे भी बैटरी इशू आ गया और आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए भी एक फीचर एड ऑन किया गया यहाँ पे बैटरी का. तो जो कि लो बैटरी इंडिकेशन है जो कि बाइक्स में भी हम लोग को देखने को मिलता है तो इसमें भी आपको देखने को अब मिल रहा है जो कि लो बैटरी इंडिकेशन है.
इससे आपको पता चलेगा अंडर 2.4 वोल्ट के नीचे हुई बैटरी, तो आपको यहाँ इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा, या तो अपनी बैटरी चार्ज करिए या तो अपनी बैटरी को रिप्लेस करिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर ऐड ऑन किया गया है। बाकी यहाँ पे फ्यूल गेज और स्पीडोमीटर, यहाँ पे ऑडोमीटर इतना है तो आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पूरा रखा गया है, बस दो इंडिकेशन और ऐड ऑन किए गए। और ये तो बहुत ही बड़ा ऐड ऑन है इस स्कूटर में। मेरे को लगा था कि ये 7G में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट होंडा ने 6G में इंट्रोड्यूस कर दिया। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और कुछ इस हिसाब के अलॉय हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक्टिवा की ब्रांडिंग और एज ऑब्वियस सेम पीछे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे पास लाइट और लो बीम हाई बीम, यहाँ पे पास लाइट, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पे हॉर्न और किल स्विच, डैट्स इट। इतना ही सब कुछ आपको देखने को मिलता है। LED इंडिकेटर्स यहाँ पे, और रियर बैकलाइट भी आपको नॉर्मल हैलोजन देखने को मिलती है। यहाँ पे फ्रंट में आपको LED देखने को मिलती है, और यहाँ पे कुछ क्रोम की भी फिनिश देखने को मिल जाती है इधर साइड, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस आपका कुछ मैट है, मैट में भी होंडा एक्टिवा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो मैट में आपको 6G की ब्रांडिंग देखने को ज़रूर मिल जाती है, बट आपको पूरी बॉडी में कहीं पे भी 6G की ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती है। तो इतना ही सब कुछ स्पेक्स थे इसके ऊपर। थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पे आपको 110cc 7HP और 8 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। फ्रंट टायर कुछ इस आपका MRF का देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको 5.3 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि माइलेज इस स्कूटर क्लेम करती है 47 किलोमीटर पर लीटर, बट यहाँ पे दिया गया है जो कि होंडा कहती है इसमें आपका फ्यूल एफिशिएंट टायर इसमें लगाए गए हैं। तो मे भी आपको माइलेज थोड़ा और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, मे भी 2 या 3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा। तो ये तो आफ्टर मतलब एक ओनरशिप रिव्यू में पता चलेगा, जो कि ओन करके रखेगा क्या माइलेज निकला क्या नहीं निकला, ये सब चीज़ें, डेट्स इट। और यहाँ पे 12 इंचेस और रियर में आपको 10 इंचेस के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको ड्रम ब्रेक 130mm का, एंड रियर में भी आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, 90x90 फ्रंट एंड 90x100 एट द रियर, विच इज़ ट्यूबलेस बट नॉट द रेडियल वन, एंड स्कूटर में रेडियल वन लेके क्या ही करेंगे। डेट्स इट, इतना ही सब कुछ देखने को मिलता है। मैं एक बार कलर्स के ऊपर भी और बात कर लेता हूँ, तो क्या क्या कलर्स आपको देखने को मिलता है एंड बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको मैट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, पर्ल प्रीशियस वाइट, डिसेंट ब्लू, रेबल मेटेलिक ब्लैक, एंड यहाँ पे पर्ल साइलेंट ब्लू कलर, ये कुछ कलर्स देखने को आपको मिलते हैं। कुछ 6 कलर्स आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाते हैं। तो इतना ही सब कुछ मेरा रिव्यू था और स्पेक्स था। और यहाँ पे आपको कुछ एक हुक भी देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना स्टफ कैरी कर सकते हो, लाइक कैरी बैग्स एंड ऑल। डैट्स इट, इतना ही सब कुछ रिव्यू था इस स्कूटर पे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको की नहीं मिल रही है तो ये कोड वर्ड, ये कोड ज़रूर आप रखें, जो कि कोड यहाँ से आपका जाएगा। तो पहले इसको 4 सेकंड के लिए दबाना पड़ेगा, फिर जैसे जैसे आप ये कोड पढ़ते जाओगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 बार प्रेस, फिर यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करेगी, फिर 2 बार प्रेस, फिर लाइट ब्लिंक करेगी। तो ऐसे कर करके आप अपना स्कूटर को चालू कर सकते हो, अगर आपके पास की नहीं है तो। कोड वर्ड के थ्रू ये चीज़ इसमें करी गई है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट दिया गया है, अगर आपको फ्यूल लिट खोलनी है और की नहीं मिल रही है तो ये चीज़ ज़रूर कैरी करें। एक टाइप का अगर आपको पुरानी एक्टिवा में देखा होगा, तो ये चीज़ यहाँ पे जब लोग ऐसे करते थे तो यहाँ पे एक शटर आ जाता था। अब यहाँ पे शटर तो नहीं है, जो कि यहाँ पे अगर आप करोगे तो आप फ्यूल खोल पाओगे, बट सीट तो भी नहीं खुल पाएगी, सॉरी सीट खोल पाओगे तो फ्यूल वो भी नहीं खुल पाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे वो दिया गया है, इधर से आप खोल सकते हैं इसको। तो की तो मैंडेटरी है, खुद से ज़्यादा की को संभाल के रखें, क्योंकि की खोई तो बहुत कुछ दिक्कत हो जाएगी, और बहुत प्रैक्टिसेस से आप ये बाइक स्कूटर खोल पाओगे। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो जो कि मैं एक शोरूम बता रहा हूँ, ऑन रोड के लिए आपको खुद यहाँ पे आके पता करना पड़ेगा। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 80,000 का कुछ एक शोरूम है इस स्कूटर का, और बाकी आपको ऑन रोड कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे आके पता कर सकते हो, इवन कॉल भी कर सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इवन गूगल मैप पे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें कुछ और एसेसरीज भी आती हैं, वो भी आप यहाँ से आके जान सकते हो। बाकी अगेन मैं बता दूं, ये क्रॉस रोड होंडा है, जो कि आपका IT गेट साइड पड़ता है GT रोड पे। तो अगर आपको होंडा का कोई और भी प्रोडक्ट देखना है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, नॉट इवन द एक्टिवा बट और भी प्रोडक्ट्स जितने भी आपको देखने हैं तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलेगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, एंड डोंट यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।